हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। तो गाइस, आज हमारा जो वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा ये होगा जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो रहेगा जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट फर्स्ट। तो इसके बाद भी आपको अदर पार्ट्स मिलते रहेंगे। तो आज का वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ ऑफ स्प्रिंग टू रिसेम्बल टू इट्स पेरेंट्स इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन इज वेरिएशन, सेकंड इज हेरिडिटी, थर्ड इज रिसेम्बलेंस एंड फोर्थ इज इनहेरिटेंस। तो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग टू रिसेम्बल इट्स पेरेंट्स इज नोन एज हेरिडिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हेरिडिटी, या इसे कहते हैं आनुवंशिकता। और ये होता इसलिए है बिकॉज ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, या बोलू मैं तो आनुवंशिक लक्षणों की वजह से हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो जो एक जनरेशन से दूसरे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग हैं वो अपने पेरेंट्स से रिसेम्बलेंस शो करते हैं, तो ये कहलाता है हेरिडिटी, या इसे कहा जाता है आनुवंशिकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकता के जो पिता हैं वो कौन कहलाते हैं, किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मोर्गन, सेकंड है मेंडल, थर्ड है वॉटसन एंड फोर्थ है बेटसन। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ये हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जो जेनेटिक्स है इसकी सबसे पहले नींव डाली थी मेंडल ने इन 1866, और जो जेनेटिक्स वर्ड है इसको सबसे पहले प्रयोग किया था बेटसन ने इन 1950। अब जेनेटिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। दिस ब्रांच इज नोन एज जेनेटिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स लॉ का अपवाद कौन सा है। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेकेंड है लिंकेज, थर्ड है डोमिनेंस एंड फोर्थ है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो जो मेंडल के लॉ में एक्सेप्शन है तो ये है डोमिनेंस में, या जिसे बोलते हैं प्रभाविकता के नियम में। तो ये जो एक्सेप्शन है ये कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इसे कहते हैं पार्शियल डोमिनेंस, या अपूर्ण प्रभाविता इसे कहा जाता है। तो मेंडल ने ये बोला था कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर के को शो करने वाला किसी भी पेरेंट का जब क्रॉस किया जाता है रिसेसिव कैरेक्टर को शो करने वाले पेरेंट से, तो वो जो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग होगी तो हमेशा जो शो करेगी ये करेगी डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगी। तो ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसको सप्रेस कर देता है, लेकिन जो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है या अपूर्ण प्रभाविता है ये होता है जब F1 जनरेशन में कोई भी अलील खुद को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या होता है, जो F1 जनरेशन का फिनोटाइप है तो वो क्या करता है, दोनों गैमेट्स के बीच में जो दोनों एलिलोमॉर्फिक पेयर होते हैं तो वो डोमिनेंस या रिसेसिव इनका कोई रिलेशन नहीं होता है F1 में, तो वो दोनों के दोनों जो कैरेक्टर है उनको शो नहीं करता है। तो ये कहलाता है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। या और इसे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को दिया गया था बाय कार्ल कोरेंस के द्वारा इन 1903 में। तो अगर इसका एग्जाम्पल बताऊँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो ये देखा जा सकता है 4 o'clock प्लांट में, या इसे कहा जाता है मिराबिलस जलापा। तो इसमें हम देखते हैं अगर मिराबिलस जलापा के जो RR जो है प्योर रेड कलर के फ्लावर का अगर क्रॉस कराया जाता है
स्मॉल आर स्मॉल आर वाइट कलर के फ्लावर से, तो जो कैपिटल आर है आर आर है ये शो करता है डोमिनेंट कैरेक्टर को, और जो स्मॉल आर आर है ये शो करता है रिसेसिव कैरेक्टर को। तो ये है पी वन जनरेशन। जब इन दोनों में क्रॉस कराया जाता है तो जो एफ वन जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग होगी ये होगी कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन इसका जो कलर होता है ये होता है पिंक कलर का। तो ये होता है एफ वन जनरेशन। तो इसमें ना रेड कलर को कम्प्लीटली दिखाया है एलील को, ना आर कलर के वाइट कलर के जो कैरेक्टर्स है उसको एक्सप्रेस किया है। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर पिंक कलर का एक्सप्रेस किया गया है। तो ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलील्स आर। तो एलील्स क्या है? फर्स्ट है अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन, सेकंड है लिंक जीन, थर्ड है क्रोमोसोम्स दैट हैव क्रॉस्ड ओवर, एंड फोर्थ है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो एलील जो होते हैं ये होते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। तो ये जो एलील होते हैं ये होते हैं पॉसिबल फॉर्म ऑफ जीन्स दैट आर फाउंड एट द सेम प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम। तो ये पाए जाते हैं क्रोमोसोम के सेम प्लेस पर, और जो अलील्स होते हैं अलील्स डिटरमाइन द हेरिडिटी कैरेक्टर। तो ये शो करते हैं जो ये करते हैं डिटरमाइन करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर को। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ जो हेयर कलर है वो, या फिर हमारे आई का कलर है, तो वो अलील्स ही डिटरमाइन करते हैं। तो ये कहलाते हैं अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनेट स्क्वायर इज डेवलप्ड बाय। तो जो पुनेट स्क्वायर है तो वो किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया है? फर्स्ट है मेंडल, सेकंड है वॉटसन एंड सटन, थर्ड है बोवेरी एंड फर्स्ट है रेजिनेल्ड। तो जो पुनेट स्क्वायर है तो ये डेवलप किया गया था बाय रेजिनेल्ड। तो जो पुनेट स्क्वायर है इसे बोलते हैं चेकरबोर्ड, चेकरबोर्ड भी इसे कहा जाता है। तो ये क्या किया जाता, ये होता क्या है? ये होता है इसका यूज़ किया जाता है टू प्रिडिक्ट जीनोटाइप ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस। तो किसी भी जो पर्टिकुलर क्रॉस किया जा रहा है उसके जीनोटाइप को प्रिडिक्ट करने के लिए चेकरबोर्ड या प्यूनेट स्क्वायर का यूज़ किया जाता है, जो डेवलप किया गया है रेजिनल्ड के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम नंबर इन डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? फर्स्ट है 46, सेकेंड है 47, थर्ड है 48 एंड फोर्थ है 49। तो जनरली आप सभी को पता है जो ह्यूमन होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है 46। तो इसमें जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो जो एफ वन जनरेशन होती है उसमें 23 पेयर फ्रॉम मेल और 23 पेयर फीमेल से आते हैं, और जो टोटल होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन डाउन सिंड्रोम की अगर बात करूं तो ऑफस्प्रिंग में जब मेल और फीमेल का क्रॉस होता है तो मेल से आते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन फीमेल से आते हैं 24 क्रोमोसोम, जिसकी वजह से जो टोटल ऑफ जो एफ वन जनरेशन है उसमें टोटल क्रोमोसोम नंबर हो जाता है 47। तो जो क्रोमोसोम नंबर है डाउन सिंड्रोम में तो ये होता है 47। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। तो जो डाउन सिंड्रोम है 47 क्रोमोसोम प्रेजेंट 47 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। तो इसमें क्या होता है 21 क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम की, जिसकी वजह से जो टोटल नंबर है 47 होता है। तो इसमें दो क्रोमोसोम की जगह पर तीन क्रोमोसोम आ जाते हैं और इसलिए इसे कहा जाता है ट्राइसोमी 21। तो ये 21 क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम की फ्रॉम फीमेल, तो इसलिए इसे डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करूँ, अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया है तो इसकी तो इसमें क्या होता है डीले डेवलपमेंट, डेवलपमेंट देरी से होता है। इसके अलावा
लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाएगी, स्पीच डिले, लेजी आईज। इसके अलावा थायराइड, हार्ट डिजीज या ओबेसिटी, तो ये सारी की सारी जो सिम्टम्स होते हैं ये सभी होते हैं डाउन सिंड्रोम के। तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम या पूछा जा सकता है जो ट्राइजोमी 21 है उसमें कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, तो ये होते हैं 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू डिफर फ्रॉम पेरेंट्स इस, तो ऑफस्प्रिंग का अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है वेरिएशन, सेकंड है इनहेरिडिटी, सेकंड थर्ड है इनहेरिटेंस एंड फोर्थ है रिसेम्बलेंस। तो ये टेंडेंसी कहलाती है वेरिएशन, तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये राइट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ क्वेश्चन है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मटेरियल वाज, तो मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका मटेरियल क्या लिया था। फर्स्ट है पाइसम सटाइवम, सेकंड है लेथिरस ओडेरेटस, थर्ड है ओराइजस सटाइवा एंड फोर्थ है मिराबिलस चलापा। तो जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट के लिए मटेरियल लिया था ये लिया था प्लांट पाइसम सटाइवम, या जो गार्डन प्लांट होता है पी का, तो उसको लिया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और ये लिया क्यों था, तो ये इसलिए लिया था क्योंकि इसकी जो पी प्लांट होता है इसकी होती है शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसके अलावा ये क्या करता है, वन क्रॉस में मैनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा जो इसके फ्लावर्स हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो ब्रीड होती है वो प्योर होती है और इसको जो मेंटेन करना इजी होता है। इसलिए जो मेंडल थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चूज़ किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिजिकल एक्सप्रेशन और अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज, फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजी, सेकेंड इज जीनोटाइप, थर्ड इज फिनोटाइप एंड फोर्थ इज इकोटाइप। तो जो फिजिकल एक्सप्रेशन है या जो अपीयरेंस है तो वो कहलाता है फिनोटाइप, या इसे कहा जाता है लक्षण प्रारूप। तो फिनोटाइप क्या होता है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है या नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं जो हमें सामने से दिख रहा है कि तो जो लक्षण हमें सामने से दिखता है तो वो कहलाता है फिनोटाइप। तो ये होता है फिजिकल एक्सप्रेशन और अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, तो थर्ड इज राइट। अब टेंथ क्वेश्चन है, जीनोटाइप इज द, तो जीनोटाइप क्या है, या फर्स्ट ऑप्शन है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है डिफरेंस ऑफ जीन, थर्ड है ट्रेट एक्सप्रेस्ड एंड फोर्थ है एक्सप्रेस्ड जीन। तो जो जीनोटाइप होता है ये होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो पता चलता है हमें जीनोटाइप से, तो ये होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो वर्ड जीनोटाइप और फिनोटाइप था ये दिया गया था गिवन बाय जॉनसन। तो ये जो फिनोटाइप और जीनोटाइप वर्ड थे ये दोनों दिए गए थे जॉनसन के द्वारा। तो ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे से पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट हैं, आप इन्हें देख लीजिए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और इसके बाद मैं इसके और भी पार्ट डालती रहूँगी, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।